त्रिशला यादव, आप देख रहे प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति सोमवार को मुरादाबाद दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भारत बंद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्र विपक्ष अभी पीएम मोदी के विचारों को समझ नहीं पाया है। पीएम मोदी दूर की सोच रखते हैं, विपक्ष को ये कुछ समय बाद समझ आएगा। केंद्र में विपक्ष अभी मोदी जी के विचारों को समझ नहीं पाया है। मोदी जी हमारे दूध रस्सा हैं। कई साल बाद उनके समझ में आएगी कि ये जो कदम उठाते हैं, कोई भी नीति बनाते हैं, उसका परिणाम जब सामने आता है तब समझ में आती है। विपक्ष का काम है अपने करने का। योजना को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी जैसी घटनाएं। कुछ समय बाद में हमारे नौजवानों को जब गंभीरता से समझेंगे, समझ में आ जाएगा, तो फिर उसका स्वागत करेगा। अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन अब सुल्तानपुर में भी पहुंच चुका है, जिसके चलते स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने केंद्र सरकार की इस योजना के तमाम कमियां बताई हैं और बैनर पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जिसको बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार के द्वारा एक अग्निवीर नामक सेना भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। आप जानते हैं पिछले 2 साल में सेना की कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं की गई है कोविड का बहाना लेके, और प्रदेश के अंदर तमाम नौजवान हैं, मिडिल क्लास गरीब परिवार के बच्चे, जिनका एक आसरा होता है कि वो जो है भर्ती के जरिए सेना में जाकर अपने परिवार को और खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। खबर उन्नाव से है, जहां भारत बंद के आह्वान पर जिला प्रशासन और खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान डीएम और एसपी ने सड़क पर उतरकर पैदल मार्च कर सुरक्षा का जायजा लिया। वहीं टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे से हाईवे की सुरक्षा की मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर हम लोगों ने ग्राम पंचायत लेवल पर, विकासखंड लेवल पर, तहसील लेवल पर और जिला स्तर पर भी टीमें बनाई हैं, और इन टीमों में हमारे मजिस्ट्रेट, पुलिस के अधिकारी तो हैं ही, साथ ही जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो भी इसमें शामिल किए गए। लोगों को अग्निपथ योजना के बारे में ये जागरूक कर रहे हैं, उन्हें विस्तार से बताया जा रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध के मामले में पूरे जोन में 11 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं अब तक 150 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़ में 9 कोचिंग संचालक गिरफ्तार हुए और आगरा में 2 कोचिंग संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 160 कोचिंग सेंटर को नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि एडीजी राजीव कृष्ण ने कहा है कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों के द्वारा करीब 150 गांवों में, जो ये प्रभावित गांव या जहां पर से ज़्यादा लोग जाते हैं, उन गांवों में आउटरीच करके वहां के जो मानिंदे लोग हैं, प्रधान हैं, वहां के जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे वार्ता की गई है और उनको भी समझाया गया है, काउंसिल किया गया है, एडवाइस किया गया है कि वो जो यंग बच्चे हैं उनको जो सही तथ्य हैं उनके बारे में बताएँ, इससे किसी तरह के बहकावे में ना पाए। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित हो चुके हैं। एक बार फिर इस परीक्षा में यूपी के छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एक बात जिसने सबको चौंका दिया वो यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों ने भी बड़े पैमाने पर परीक्षा पास की, जिनमें से हाई स्कूल में 119 में से 109 और इंटरमीडिएट में से 99 में से 67 बच्चों ने परीक्षा पास की। इसकी तैयारी कैसी थी, इसका रोड मैप क्या था, इस सभी सवालों के जवाब पर प्राइम टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए डीजी जेल आनंद कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको।
उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड रिजल्ट आ चुके हैं। इस बार फिर से उत्तर प्रदेश के छात्रों ने बेहतर अंकों से परीक्षाएं पास की हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद उन कैदियों के बारे में जिन्होंने इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से अच्छे अंक पा करके जो सफलता है वो हासिल की है। क्या रोड मैप था, कैसे उनकी पढ़ाई पूरी हुई और आगे क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर के ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजी जेल साहब आनंद कुमार जी। सर बहुत बधाई पहले तो सबसे पहले, क्योंकि आपके नेतृत्व में इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो जेलों से आया, जहां पर जो बंदी थे उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबरों से परीक्षाएं पास की हैं, क्या कहना है इस पर और आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए बड़े हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है कि हाई स्कूल में हमारे 119 में से 104 बंदी उत्तीर्ण हुए हैं और 87% हमारे सक्सेस का प्रतिशत है। साथ ही साथ जो बंदी जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं वो 76% है, गाज़ियाबाद का बंदी है। इसी तरीके से इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में 99 बंदी उसने बंदियों ने उसमें प्रतिभाग किया, 67 बंदी उसमें उत्तीर्ण हुए हैं। जो हाईएस्ट परसेंटेज है 72% है, जो सहारनपुर के एक बंदी ने अर्जित किए हैं। तो कुल मिला के 87% और 68% हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हमारा सक्सेस रेट है, जिसको हम और अच्छा करना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारी मंशा ये रहती है और कई सालों से ये परिपाटी चली आ रही है कि जेलों में माध्यमिक शिक्षा हो या इग्नू हो या अन्य किसी यूनिवर्सिटी या कोई और संस्था हो जिसके साथ हमारे MOU हैं, उसके माध्यम से एग्ज़ाम के सेंटर्स जेल में बनाए जाते हैं। जो हमारे जेलों पे जेल टीचर हैं उनका सक्रिय सहयोग और योगदान लिया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे जेल के अधिकारी कर्मचारी हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई में रुचि लेते हैं और वो भी अपना सक्रिय योगदान देते हैं, और कुछ बंदी भी ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं जेल में किसी कारणवश आ गए हैं, उनको भी हम मोटिवेट करके इस तंत्र से जोड़ते हैं। तो कुल मिला के एक सामूहिक व्यवस्था ऐसी बनाई जाती है जहां बंदियों को एक माहौल पढ़ाई की तरफ हो। हमारा टारगेट ये रहता है कि अगर निरक्षर बंदी अंगूठा लगा के जेल में आया है तो जाते समय साइन करके जाए, ये तो बेसिक साक्षरता देने का हम प्रयास करते हैं, और जो बंदी पढ़ा लिखा है उसको और आगे पढ़ने के लिए हम उसको सुविधाएँ दें। इसी उद्देश्य से हम लोग ने पिछले 2-3 सालों में प्रत्येक जेल में लाइब्रेरी बनाई है और लाइब्रेरी को अनेक किताबों से परिपूर्ण किया है, जिसमें शासकीय धन और NGOs के माध्यम से भी उसको दिया गया है। तो आज की डेट में हमारी जेल में लाइब्रेरी, सारी जेलों में लाइब्रेरी है और बंदी भारी संख्या में उस लाइब्रेरी का सदुपयोग करते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। कुल मिला के लबोलबाब ये है कि हमारा आशय और हमारा जो एक लक्ष्य है वो ये है कि बंदियों को आपराधिक मानसिकता उससे उनको दूर किया जाए, उनको समाज में कैसे एसिमिलेट किया जा सके, कैसे कौशल विकास के भी कार्यक्रम चला करके उनको कौशल दिया जा सके जिससे कि बाहर जा करके रोजगार परक चीज़ों में अपने आप को वो सम्मिलित कर सकें, समाज उनको एक्सेप्ट करे और बाकी वो एसिमिलेट हो जाए सोसाइटी में। तो कुल मिला के आशय यही रहता है कि सुधार हो, बंदियों के आपराधिकता खत्म हो और जाके समाज में वो आम नागरिक की तरह अपना जीवन यापन करें। सर आप लोगों ने पर्यावरण से भी कैदियों को जोड़ा है, आप लोगों ने योगा से भी कैदियों को जोड़ा है, शिक्षा की बात की जाए तो इसको और बेहतर कैसे किया जाए, क्योंकि अब जो बाकी के जो कैदी हैं उनके मन में भी आया होगा कि अगली बार जब परीक्षा हो तो इस जो रिजल्ट जेलों से आया उसे और बेहतर किया जाए, तो शिक्षा के स्तर को और कैसे बेहतर किया जा सकता है या किया जाएगा आप लोगों की तरफ से? देखिए निश्चित तौर पर हमारा लगातार और निरंतर यह प्रयास रहता है कि बंदियों में शिक्षा का स्तर बढ़े। 5वीं से 8वीं तक का जो क्लासेस होते हैं उसके भी हमारे यहाँ क्लास चलते हैं, साथ ही साथ हाई स्कूल इंटरमीडिएट के साथ आपने रिजल्ट देख ही लिया है, तो और कई MOUs हमने कर रखे हैं, इग्नू के माध्यम से कई पाठ्यक्रम चलते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं जिससे बंदी जो टेक्निकल एजुकेशन चाहते हैं वो भी उनको मिलती है, सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जब वो बाहर जाते हैं तो उन सर्टिफिकेट्स के माध्यम से वो बाहर जा करके अपराध न करके अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं। तो इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ कई MOUs करने के साथ, कई यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके और कई ऐसी सामाजिक संस्था हैं उनके साथ हम लोग टाई अप करते हैं जिससे कि बंदियों में साक्षरता बढ़े, जो निरक्षर बंदी आते हैं उनमें इस बात की उत्सुकता रहे कि वो साक्षर हो जाएँ, कम से कम अपनी ऑर्डर पढ़ सकें, अपने लीगल राइट्स के, अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में सजग हो सकें, तो प्रयास यही रहता है। तो सर उनकी सजाओं में भी किसी प्रकार का कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर आप लोगों की तरफ से कोई मुहिम ऐसी चलाई जा सकती है? देखिए निश्चित तौर पे अगर बंदी जेल में रहते हुए अपने आचरण को ठीक रखता है तो हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो रिहाई नियमावली है, जो नियम है, उसकी परिधि में वो आ जाएगा। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर अगर लाइफ सेंटेंस है तो 16 साल जेल का अपरिहार, मतलब जेल के एक्चुअल सजा, और 20 साल रेमिशन मिला करके प्रत्येक बंदी को एक रेमिशन मिलता है और रेमिशन का आधार उसका गुड कंडक्ट होता है, तो उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी हो जाती है समय पूर्ण रिहाई की।
तो इस तरह की योजना हमारी जेलों में चल रही है और अब साल में 10 ऐसे ओकेजन्स हैं जब बंदियों को इसकी सुविधा का लाभ दिया जाता है। धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। तो ये थे डीजी जेल आनंद कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर जेलों में कोई भी बंदी आ रहा है और वो अंगूठा लगाकर आ रहा है तो जब वो जेलों से जाए तो वो अपने हस्ताक्षर करके जाए। मतलब कुल मिलाकर जेलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने की पूरी कोशिश रही है और उसी का नतीजा ये है कि इस बार के यूपी बोर्ड के जो रिजल्ट आए हैं वो जेलों में काफी बेहतर आए। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन प्राइम टीवी। खबर अमेठी से है। अग्निपथ के विरोध को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने अमेठी रेलवे स्टेशन पर पैदल मार्च किया। इस दौरान पूरे इलाके में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि तोड़फोड़ आगजनी करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जनपद में जो ये आंदोलन चल रहा है इसको देखते हुए जगह जगह पुलिस को तैनात किया गया है, पीएसी लगाया गया है, क्वारंटाइन टीमें बनाई गई, फायर की गाड़ियां लगाई गई और हर जगह मोबाइल पार्टियां घूम रही है, ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। और ये स्पष्ट मैसेज है कि यदि कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तोड़फोड़ करेगा या कानून अपने हाथ मिलेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त कार्रवाई की। 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस योग उत्सव को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि कोरोना काल के कारण पिछले 2 वर्षों से योग दिवस का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से इस बार योग दिवस का भव्य रूप में मनाने की तैयारी चल रही है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य रूप से भाग लेंगे। ये पूरे जिले में कार्यक्रम आयोजित है और ये भारतीय जो परंपरा थी योग की, जिसको इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में स्थापित किया और विश्व में 21 जून को ये योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके क्रम में कल रामपैणी पर, स्टेडियम में, पार्कों पर, अनेक जगहों पर कार्यक्रम आयोजित है। जो रामपैणी पर एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी पधारने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी पधारने वाले हैं, तमाम सेवी स्वयंसेवी संगठन भी इस कार्यक्रम में सहभाग करेंगे। इत्तेहादे मिल्लत काउंसलिंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आयोजकों के खिलाफ 144 के उल्लंघन का शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडे की तहरीर पर दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा की पार्टी को कार्यक्रम में 1500 लोगों के आने की अनुमति दी थी, लेकिन कार्यक्रम में हजारों की तादाद में पब्लिक एकत्रित हो गई। जब मैं उस समय उपस्थित था, जो अनुमति ली गई थी वो मात्र 1500 अधिकतम की ली गई थी और वहाँ पर जो सुनने वाले और आयोजक सब मिलाकर के काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ एकत्र हो गई थी, जिसकी कोई भी सूचना पूर्ववत किसी कमेटी द्वारा मुझे नहीं दी गई थी। इसी आधार पर जो शर्तों का उल्लंघन है उनको उनके विरुद्ध संबंधित थाने में अभियोग पंजीकृत और कानूनी कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। ये जो कार्यक्रम किया गया था इसमें जो अनुमति थी उससे अधिक लोग आए थे, तो इस वजह से मजिस्ट्रेट की द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पर इसमें धारा 144 का जो उल्लंघन होता है वो धारा 188 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया। और इसमें खबर संभल से है, जहां विकास खंड जल जीवन मिशन हर घर जल के अंतर्गत 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पानी के महत्व के बारे में बताया गया और जल संरक्षण को लेकर जागरूक किया गया, जिसमें अलग अलग गांव की महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं ट्रेनिंग के दौरान पानी की गुणवत्ता जांचने वाले किट पाने वाली महिलाओं ने जिला कोऑर्डिनेटर का धन्यवाद किया। बता दें कि 138 महिलाओं को किट उपलब्ध कराई गई है। खबर बिजनौर से है, जहां शासन द्वारा संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा के जरिए मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने की सुविधा उपलब्ध कराई, जिसके चलते बिजनौर जनपद में 108 नंबर की 33 एम्बुलेंस अपनी सेवाएं दे रही हैं और 33 एम्बुलेंस में से 13 एम्बुलेंस जो काफी पुरानी हो चुकी थी उनको बदलकर शासन ने आधुनिक सेवाओं से लैस 13 नए एम्बुलेंस को बिजनौर भेजा, जिसका शुभारंभ SDM ने नारियल फोड़ कर किया। जिला बिजनौर में 108 नंबर की जो गाड़ियाँ हैं
उसमें हमारे पास 33 गाड़ियां हैं, जिसमें से 13 गाड़ियां जो पूरा अपना कार्यकाल कर चुकी थी और चल चुकी हैं, तो उनके बदले शासन की तरफ से 13 नई गाड़ियां आई हैं और उन 13 नई गाड़ियों को हमने आज कप्तान साहब और एडीएम साहब के माध्यम से उसका उद्घाटन किया गया है और पुरानी 13 गाड़ियां उससे हटा दी जाएंगी बेड़े से। ये नई 13 गाड़ियां जो जन सामान्य के लिए अस्पताल लाने और ले जाने के लिए और अच्छी मॉडल की गाड़ियां हैं, सब एसी गाड़ियां हैं और बड़ी इससे सहायता जनमानस के लिए मिलेगी। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभियुक्त सस्ता लोन देने का लालच देकर लोगों से धोखाधड़ी करते थे। वह एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा ने मामले की जानकारी दी है। थोड़े दिनों से पुलिस के पास काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी, जिसमें कि उनको उनकी कंप्लेंट ये थी कि हम लोन ऐप डाउनलोड करते थे, लोन ऐप डाउनलोड करने के बाद उनके कॉन्टैक्ट और मोबाइल फोटो गैलरी सब हैक हो जाती थी, फिर उनके फोटोज़ को यूज़ करके उनको डराया धमकाया जा रहा था, उनको पैसे की मांग की जा रही थी। इस पर जब हमारी साइबर सेल ने काम किया तो इसमें कल हमारे को सफलता हासिल हुई। इसमें 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जो कि मेन इन ये जो ऐप लोड ऐप डाउनलोड करवाते थे, ऐप जो बनाते थे, ये लोग उनके लिए अकाउंट सप्लायर का काम करते थे। अकाउंट खुलवा के जो भी पैसा आता था वो इनके अकाउंट में आता था, इस अकाउंट से वो पैसा फर्दर ट्रांसफर करते थे या फिर उस अकाउंट से विड्रॉ करते थे। खरबुलंद शहर से है, जहां कावड़ यात्रा कराए जाने के लिए प्रशासन अलर्ट है, जिसको लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ कावड़ यात्रा मार्ग का भ्रमण किया, जिसके बाद जिलाधिकारी और एसएसपी ने हरिद्वार से जल लेकर श्रद्धालुओं के आने वाले मार्ग का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खबर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस ने रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना का खुलासा किया। मामले में सख्ती से पूछताछ करने के बाद पता चला कि संपत्ति के विवाद को लेकर एक भाई ने अपने ही भाई को मात्र 4,50,000 रुपए में भाड़े के शूटर हायर करके उसकी हत्या करा दी। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना मजला क्षेत्र में जो ढक्का मोहल्ला है, वहाँ एक व्यक्ति उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। उसका नाम मोनू था, मोनू प्रजापति। मौके पर जाके उस समय जब छानबीन की गई तो पता चला कि जो घटना स्थल है वो घर के उसके बाहर का है और वहाँ 2 बाइक सवारों ने आके पीछे से उसको गोली मारी, तो वो भाग गए वहाँ से। इनका मौके पर जो की गई पूछताछ इसकी पत्नी और लोगों से, तो इनका कुछ पारिवारिक विवाद इसमें बताया गया था कि इनका एक जो पास में कारखाना है उसको लेके भाइयों के मध्य में कुछ विवाद चल रहा है। खबर मुरादाबाद से है, जहां मधुबनी कांड रोड स्थित खोखला पेड़ बड़े हादसे को दावत दे रहा है। बता दें कि पेड़ जर्जर खस्ता हालत में बिजली लाइन के खंभे के सहारे रुका हुआ है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पेड़ तो बहुत पुराना हो गया, सूखा है, कभी भी गिर सकता है, ये हाईवे चलता है, बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी किसी पे गिर सकता है। हटना चाहिए ये पेड़ जी, ये पेड़ हटना चाहिए। तो अगर ये पोल और ये तार से बंधा हुआ ना होता ना तो ये गिर जाता नीचे। अब ये टाइम शाम का टाइम हो गया है तो अब यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा लगेगा, तो क्या पता हवा का झोंके से अगर बाई चांस गिर गया तो किसी नीचे किसी गाड़ी पे ही गिरेगा, तो दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा हैं। कोई देखने को नहीं आ रहा यहाँ पर अभी सर, अब ये वन विभाग का काम है तो वन विभाग ही आएगा यहाँ पर देखने। नगर निगम तो आकर अपने देख भी गए, बोल भी दिया उन्होंने जहाँ बोलना होगा। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।